लोग आ गए? हाँ भैया। कोई समस्या लेकर के आए क्या आज? हाँ भैया। हाँ बताएं। भैया पिछली बार आपने समुच्चय पढ़ाया था, समुच्चय, वो सब भैया बहुत अच्छे समझ में आ गया, अब कोई परेशानी नहीं पड़ती। अच्छा, लेकिन समुच्चय समझ में आ गया आप लोग? जी भैया। तो आज क्या समस्या है बताओ? भैया आप अपने नए दोस्तों को लेके आए हैं। अच्छा। और ये सब भैया अंतर समुच्चय सीखना चाहते हैं। हाँ, मैं जानता था कि आप लोगों को अंतर समुच्चय में कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी, इसीलिए मैं पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ हूँ आज। तो आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, लेकिन मैं इससे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को उस दिन मैंने बताया था कि संघ समुच्चय बताया था, और इससे पहले समुच्चयों को कैसे निरूपित किया जाता है ये बताया था। तो आप आदित्य बताओ कि यदि हमें दो वो एक समुच्चय बनाना है जो कि सम संख्याओं वाला समुच्चय हो, प्राकृतिक संख्याओं का, तो उसे कैसे लिखेंगे? ए बराबर मंजिला कोष्ठक एक्स। हाँ? जहां एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, बिल्कुल। और एक्स एक सम संख्या है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स एक एक सम संख्या है। सम संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बताओ नम्रता, क्या यदि इसे अवयव के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर मंजिला कोष्टक दो बराबर मंजिला कोष्टक दो कॉमा चार दो चार छः आठ दस आदि दस आदि है। तो इस प्रकार तो हम इसको निरूपित कर लेते हैं, थोड़ा मजरा ब्रैकेट बड़ा बना दें, ठीक। तो इस तरह से हम निरूपित करते हैं। अब यदि हम प्रज्ञा ये मान लें कि दूसरा हमें समुच्चय बनाना है जो एक ऐसे अवयव हो जिसमें के पांच से विभक्त होने वाले हो, उसको कैसे लिखेंगे? भैया बी बराबर, हाँ बी बराबर मजला कोष्ठक, मजला कोष्ठक एक्स 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 बराबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है और पांच से विभक्त। हाँ, पांच से विभक्त विभक्त होने वाली है। जी भैया, विभक्त, ठीक है। हाँ भैया, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और आप बताओ कमलेश कि इसको अगर हमें अवयव में लिखना है तो कैसे अवयव के रूप में लिखेंगे? भैया बी बराबर मजला कोष्ठक, मजला कोष्ठक पांच दस दस पंद्रह पंद्रह कॉमा के बाद बीस बीस पच्चीस, चलिए पच्चीस, और इसके बाद ये आगे संख्याएं आती जाती हैं। तो इस प्रकार से हम समुच्चयों को निरूपित करते हैं। जी भैया, ठीक है। तो आज हम पहले अंतर समुच्चय से पहले आपको सर्वनिष्ठ समुच्चय बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सर्वनिष्ठ समुच्चय आ जाएगा तो अंतर समुच्चय भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो हम एक मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि हमने एक समुच्चय लिया है ये जिसके अवयव कुछ हैं। अच्छा ये बताओ आदित्य कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं? बताओ। ए बराबर हाँ मंजिला कोष्ठक हाँ चार हाँ पांच हाँ छः हाँ सात आठ नौ। और हम एक और ले लेते हैं जिसमें हमारे अवयव हैं ये वाले। तो बताओ नम्रता कौन कौन से अवयव हैं इसमें? बी बराबर मंजिला कोष्ठक आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह। तो इस तरह से हमने दो ये समुच्चय ले लिए। जी भैया, अब इसमें अगर हमें सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाना है तो उसके लिए एक हमारा चिन्ह होता है। जी भैया, उस चिन्ह को हम इस रूप में दर्शाते हैं। देखिए, हम अलग से आपको लिख करके दिखाते हैं कि ये चिन्ह होता है, ठीक है। ये वाला जो चिन्ह होता है ये हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय का चिन्ह होता है। तो अब हमें ए और बी का सर्वनिष्ठ अगर बताना है तो ये ए और इसका सर्वनिष्ठ का चिन्ह और बी। अब सर्वनिष्ठ के लिए क्या करते हैं कि हम ऐसे अवयवों को चुनते हैं जो कि समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो, दोनों में उनका होना अनिवार्य है। तो अब आप देखिए कि चार पांच और छह सात ये तो
केवल ए समुच्चय में है। हाँ भैया। जी भैया। और 10 और 11 ये केवल बी समुच्चय में है। जी भैया। अब ये बताइए कि ए और बी दोनों समुच्चयों में कौन कौन से अवयव हैं जो दोनों में है। भैया 8 और 9। हाँ बिल्कुल, इसमें आपके जो दोनों में है वो एक तो 8 है और एक 9 है। तो इस तरह से आपके 8 और 9 ये दो अवयव वाला जो समुच्चय बनेगा वो आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम परिभाषा के रूप में देखते हैं इसे, इसको प्रज्ञा बताओ। दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए और बी का उभयनिष्ठ कॉमन अव्यय होते हैं। इसको ए इंटरसेक्शन बी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। इसके लिए इंटरसेक्शन का चिन्ह प्रयोग करते हैं। उभयनिष्ठ जो अव्यय आते हैं उसको सर्वनिष्ठ समुच्चय किस प्रकार से बनता है। तो अब हम आगे अब आपको बताते हैं कि जो अंतर समुच्चय होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं और उसमें किस प्रकार से अंतर समुच्चय को हम निकालते हैं या प्राप्त करते हैं। तो हम एक कोई समुच्चय पहले मान लेते हैं, तो उसके लिए हमें पहले उसके अवयव लिखने पड़ेंगे। जी भैया। तो हम एक ए हमने समुच्चय माना और जिसके अवयव हैं 4, 5, 6, 7 और 8। और एक और हमने दूसरा समुच्चय लिया जिसके अवयव हैं 7, 8, 9 एवं 10। तो इस प्रकार से हमने दो समुच्चय ले लिए। जी भैया। अब हमें ए और बी का अंतर समुच्चय प्राप्त करना है तो अंतर का चिन्ह लगाएंगे और अंतर का चिन्ह वही चिन्ह होता है जो हम घटाने के लिए प्रयोग में करते हैं या ऋण के लिए प्रयोग में करते हैं। तो ए ऋण बी का ये चिन्ह हमने लगा दिया। जी भैया। अब ए में से बी का अगर अंतर हमें निकालना है तो वो अवयव आएंगे जो केवल ए में हो परंतु बी में ना हो। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से अवयव हैं जो ए में हैं और बी में ना हो। 4, 5, 6 और 7 है क्या? नहीं भैया वो दोनों में है। 7 दोनों में, ए में भी है और बी में भी है। बी में भी है, दोनों में है। 8 ए में भी है और बी में भी है। और 9 बी में है परंतु ए में नहीं है। और हमने आपको बताया है कि ए का अंतर बी से कर रहे हैं तो केवल वे अवयव आएंगे जो ए में हो और बी में बिल्कुल ना हो। तो इस प्रकार से हमें ए अंतर बी समुच्चय के जो अवयव प्राप्त होंगे वो 4, 5, 6 प्राप्त होंगे। जी भैया। अच्छा नम्रता ये बताओ कि अगर हम बी अंतर ए करें तो क्या यही अवयव मिलेंगे? नहीं भैया वो अवयव नहीं आएंगे, बदल जाएंगे है ना? जी हाँ। प्रज्ञा बताओ तो कि बी और ए का अंतर हम निकालें तो कौन कौन से अवयव आएंगे? भैया 9 और 10। 9 और 10। जी भैया। हाँ आदित्य बताओ 9 और 10 क्यों आएंगे? भैया क्योंकि वो ए में नहीं है और बी में है। बी में है। तो इस प्रकार से ए अंतर बी जब निकालते हैं तो अलग अवयव आते हैं और बी अंतर ए निकालेंगे तो अलग आएंगे। दोनों बार ऐसा नहीं है कि जब हम ए अंतर बी निकालें या बी अंतर ए निकालें तो एक समान आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समुच्चय में से जब दूसरे समुच्चय का अंतर निकालते हैं तो केवल उन अवयवों को लेते हैं जो के दूसरे में ना हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके परिभाषा कर सकते हैं। आदित्य पढ़िए से। दो समुच्चयों ए तथा बी का अंत समुच्चय डिफरेंस सेट वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए के वे सदस्य होते हैं जो बी में नहीं होते। इसको ए माइनस बी से निरूपित करते हैं तथा ए अंत बी या ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से
हमने देखा कि जब समुच्चय को अंतर किया जाता है तो किस प्रकार से उसको निरूपित किया जाता है और कौन कौन से अवयव प्राप्त होते हैं। जी भैया, तो इस प्रकार से हमने अपने समुच्चयों में चार चीजें देखी। एक तो संघ समुच्चय हमने बताया था। जी भैया, संघ समुच्चय में क्या था कि ए के अवयव और बी के अवयव दोनों ही अवयव होते हैं संघ समुच्चय जब बनाते हैं। और इसके बाद में हमने आपको इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ वाले बताए। जी भैया, जिसमें वे अवयव होते हैं जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। और इसके बाद ए अंतर बी समुच्चय जो बनेगा ए में होंगे परंतु वे अवयव जो बी में है वो नहीं होंगे। और इसी प्रकार से बी अंतर ए तो वे अवयव होंगे जो बी में है परंतु ए में नहीं है। तो इसको यदि हम सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शित करें तो देखिए ये इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं कि ए यूनियन बी, इसमें एक्स एक्स जो है समुच्चय ए का जो होगा समुच्चय ए का है और या फिर वो अवयव जो होगा वो समुच्चय बी का होगा। ठीक है, या तो वो अवयव ए समुच्चय का होगा या फिर समुच्चय बी का होगा वो। और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि सर्वनिष्ठ में क्या होता है कि एक्स ऐसे अवयव होते हैं जो ए में होंगे तथा बी में भी होंगे। ठीक है, ए का भी वो अवयव होगा और बी का भी अवयव होगा। और जब ए अंतर बी समुच्चय बनाते हैं तो जो अवयव आते हैं वो ए के होंगे परंतु बी का एक भी अवयव उसमें नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से बी अंतर ए निकालते हैं तो ऐसे अवयव आते हैं जो बी में होंगे परंतु ए का कोई भी अवयव उसमें नहीं होगा। समुच्चयों को किस तरह से उनका संघ समुच्चय बनाते हैं, किस तरह से दो समुच्चयों का हम सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाते हैं और किस तरह से दो समुच्चयों का हम अंतर निकालते हैं।